जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम सांख्य योग है। आज हम 60वें और 61वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर भगवान कहते हैं कि यततो यपि कौन्तेय पुरुषस विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। पिछले श्लोक में यह बात कही गई कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त ना होने से क्या हानि है। इसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं। अतः उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती, और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती हैं, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस श्लोक में यह भाव दिखाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है, तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती हैं। पर जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उससे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु उसकी विषय शक्ति का नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक को इंद्रियों को वश में करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जब ये प्रमथनशील इंद्रियां विषय शक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतः स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परहा वशे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाई गई है, क्योंकि वश में ना की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती है। अतः परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में करना चाहिए। भगवान ने समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहकर यह भाव दिखलाया है कि इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता, तो मन के द्वारा
विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार ना रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण भगवान ने समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहकर यह भाव दिखलाया है कि इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार ना रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा कि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रियां वश में की हुई होती हैं, उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। राधे राधे।